जय हिंद ऑब्जर्वर्स, मायसेल्फ सत्यवान मोरण, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर द सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर में हम लोगों ने अभी तक इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस को डिस्कस कर लिया है, और आज जो हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो आज हम लोग तीन चार्जेस को लेंगे और जिसके कारण उस पूरे सिस्टम में जो आपका सिस्टम बनेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, क्लास 12 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स और चैप्टर सेकंड में चल रहा है, एनसीईआरटी को फॉलो किया जा रहा है, और उसके बाद चैप्टर का नाम है पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ओके, और ये थ्योरेटिकल लेक्चर चल रहा है, हम लोग इसकी थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हमने अलग स्लाइड बनाई हुई है, अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा एनसीईआरटी का। आज जो डिस्कस करने चल रहे हैं उसका क्या नाम है, टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। तो चलिए हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, आज का जो टॉपिक है यही है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, लेट वी हैव थ्री चार्जेस। क्या क्या है, Q1, Q2, Q3, क्योंकि हम लोग थ्री चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थ्री चार्जेस क्या क्या है, Q1, Q2, Q3 आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट्स having position vectors क्या क्या है, R1, R2 and R3 respectively। मतलब हम क्या करते हैं कि Q1 चार्ज को पहले एक जगह लाके रखते हैं, फिर Q2 चार्ज को लाके रखेंगे, फिर Q3 चार्ज को लाके रखेंगे, तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है उसको हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेम ऑफ रिफरेंस इसको बनाएंगे, दिस इज वी हैव ए फ्रेम ऑफ रिफरेंस। अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं है, तो जब हम लोग अपना पहला चार्ज, व्हेन वी ब्रिंग आवर फर्स्ट चार्ज एट एनी पॉइंट हियर, देन देयर विल बी नो फोर्स एक्ट्स ऑन दिस चार्ज। जब इस चार्ज को लेके जाएंगे तो इस चार्ज पर कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज यहाँ पे पहले से प्रेजेंट ही नहीं है, तो ना तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएगा, ना कोई रिपल्सन लगा पाएगा। व्हेन चार्ज इज जीरो, देन इलेक्ट्रिक फोर्स इज आल्सो जीरो। तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे, तो इसको ले जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, किसी भी फील्ड के अगेंस्ट इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो वी डोंट रिक्वायर टू वर्क ऑन दिस चार्ज। तो इस चार्ज को हम ले जाके सपोज दैट यहाँ पे ला के हम लोग पुट कर देते हैं Q1, जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। ओके, दिस इज R1 इज द पोजीशन, किसी पॉइंट पर हमने लाके रखा, और इसके कारण टोटल वर्क डन कितना हुआ, W1। तो W1 वर्क डन आपका होता है पोटेंशियल फाई इंटू चार्ज। तो चार्ज Q1 है और पोटेंशियल, कोई चार्ज ही नहीं तो किसी पोटेंशियल के अगेंस्ट आपका यहां पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो, और चार्ज आपका Q1, तो जीरो इंटू Q1 कितना होगा जीरो। W1 इस चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हो गया, जीरो। चलो अब हम लोग सेकंड चार्ज को लेके आते हैं इनफाइनाइट से। सेकंड चार्ज को जब इनफाइनाइट से लाया रहे हैं तो इस चार्ज के कारण इस पे रिपल्सन फील होगा, लेकिन फिर भी हमें यहां पे इसको पुट करना है। जब इस चार्ज को हम लोग यहां पे लेके आएंगे तो इस चार्ज पर क्या एक्सपीरियंस होने लगेगा फोर्स इसके कारण, तो जिसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस होगा हमें उसके अगेंस्ट वर्क करना है,
और जो वर्क हम लोग बाहर से इसको करेंगे, द वर्क विच अप्लाई ऑन दिस चार्ज विल एक्चुअली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस चार्ज को जब हम लोग यहाँ ला रहे हैं तब देखिए कितना वर्क करना पड़ता है। सपोज इस चार्ज को हम लोग ला के यहाँ पे पुट कर देते हैं Q2, जिसका पोजिशन वेक्टर होगा R2, दिस इज R2, ओके। अब टोटल चार्ज Q को लाने में वर्क कितना होगा, तो W2 इज इक्वल टू पोटेंशियल किसके कारण, वन के कारण, टू का, तो आपका हो जाएगा टू पर वन के कारण पोटेंशियल, और चार्ज क्या होगा Q2, ओके। तो W2 521, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल 521 है। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोटेंशियल, अगर ये R2 है ये R1 है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा दिस डिस्टेंस विल बी R21, और R21 का मतलब होता है R2 माइनस R1 फ्रॉम वेक्टर मैकेनिज्म। इसको जब हम फोर्स बता रहे थे तो पूरा हमने डिराइव किया था कि क्या इसका मतलब होता है, ये वाली दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी R21। तो चलिए यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखिए, 1/4πε0 Q1, इस चार्ज के कारण यहाँ पे आपका लग रहा है तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा Q1 अपॉन ये वाली डिस्टेंस मॉड ऑफ R21 और उसके बाद Q2, ओके। इतना वर्क हमें चार्ज Q2 को जब ले जाएंगे तो करना पड़ेगा, दिस अमाउंट ऑफ वर्क एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब नेक्स्ट चार्ज Q3, अब जब Q3 को हम लोग ले जाएंगे, तो Q3 के ऊपर दो लोग फोर्स लगाएंगे, एक चार्ज Q2 फोर्स लगाएगा और एक चार्ज Q1 फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब हमें दो पोटेंशियल के अगेंस्ट इस चार्ज को ले जाके यहाँ पे पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे तो दो दो लोगों को फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। तो Q3 जब चार्ज को ले जाएंगे तो दो पोटेंशियल के कारण सपोज करते हैं यहाँ R3 पर हमने रख दिया, तो चलिए इसको लेके आ रहे हैं, अब हमने दोनों पोटेंशियल को अपोज करके यहाँ पे रख दिया और R3 पोजीशंस पर ये चार्ज Q3 हमने पुट कर दिया, ओके। अब इस चार्ज पर टोटल वर्क डन कितना होगा, इसके कारण भी फोर्स लगेगा और इसके कारण भी, तो टोटल वर्क डन W3 देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं जो वर्ड्स में लिखे गए हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। टोटल वर्क डन W3, देखिए W3 कितना आएगा, W3 इसका कितना आ जाएगा, इसके कारण यहां पर पोटेंशियल 531, इसके कारण यहां पर पोटेंशियल और इसके कारण यहां पर पोटेंशियल 531 प्लस 532 और चार्ज कितना है Q3। अब चलिए यहां पे वैल्यूज पुट करिए कितना आएगा, 531 की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं 1/4πε0 और Q1 अपॉन R31 प्लस 532 की वैल्यू कितनी आएगी, 32 की ये वाला डिस्टेंस और ये वाला चार्ज 1/4πε0 Q2 अपॉन R32, दिस इज द डिस्टेंस। और यहां पे अब इस Q3 पुट करिए, यहां पे Q3 जब यहां पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब तीनों के कारण टोटल वर्क डन कितना करना पड़ा, इस चार्ज को लाने में वर्क हमें इतना करना पड़ा, इस चार्ज को लाने में इतना वर्क करना पड़ा और उसके बाद इस चार्ज को लाने में इतना वर्क करना पड़ा, तो टोटल कितना वर्क करना पड़ा, तो टोटल जो वर्क करेंगे वही पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। अब सारी वैल्यूज को हम लोग यहां पर पुट करें,
करेंगे, डब्ल्यू वन कितना है जीरो, चलिए डब्ल्यू वन के प्लेस पे जीरो, और डब्ल्यू टू के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट करिए, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर टू वन, और प्लस डब्ल्यू थ्री के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू पुट करिए, ये पूरी वैल्यू आएगी डब्ल्यू थ्री के प्लेस पे। तो चलिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q3 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, Q1 into Q3 upon R31 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, sorry, Q2 into Q3, Q2 into Q3 upon R32, okay? अब इसको हम लोग एक ब्रैकेट में करते हैं, जो चीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कितना आता है। चलिए टोटल वर्क डन, सो डब्ल्यू स्क्वायर टू ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां भी देखिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे भी है, यहां पे इसको हम लोग कॉमन ले लिए, तो कितना आया क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर टू वन प्लस यहां पे क्या बचा क्यू वन इंटू क्यू थ्री अपॉन आर थ्री वन प्लस क्यू टू इंटू क्यू थ्री अपॉन आर थ्री टू, ओके और यही जो आपका वर्क डन है, यही वर्क आपका इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जितना वर्क हम इसको ले जाके यहां पे रखेंगे, वही वर्क इस पूरे सिस्टम में और इसकी फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नोन एज, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बोल देते हैं, तो यू ये हमारा क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए कैसे हम लोग एक्सप्रेशन निकालते हैं। हायर क्लासेस में जब आप ग्रेजुएशन करेंगे बीएससी में या बीटेक्स में, तो आपको एन चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है वो सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, चलते हैं, एक लेक्चर और बाकी है आपका, सॉलिड स्फीयर के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होता है उसको डिस्कस करने के बाद आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी का एक पार्ट कंप्लीट तरीके से फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे पार्ट पे मूव ऑन कर जाएंगे, ओके। तो चलिए अब मुझे इजाजत दीजिए, चलते हैं, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू।